हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ड्रैको गेमिंग यूट्यूब चैनल। ड्रैको गेमिंग यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लोग एक ऐसी सिटी में जाने वाले हैं जो पूरी तरह से हॉन्टेड है, यानी जहाँ पर दिन में भी ज़ॉम्बीज घूमते हैं और रात को तो भाई पूरे स्केलेटन ज़ॉम्बीज मतलब घूमते रहते हैं। और गेम के अंदर हम सिंपली एक क्रिमिनल है और यहाँ पर हमें जेल हो रही है और हमें एक बहुत ही खतरनाक जेल में डाला जा रहा है जो एकदम उस हॉन्टेड टाउन के बीचों बीच है। और अभी हम उसी हॉन्टेड टाउन में जा रहे हैं और हॉन्टेड टाउन का नाम है द वॉकिंग डेड, यानी कि आज से हम एक नई गेम प्ले सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द वॉकिंग डेड सीजन 1। बाकी यहाँ पर आपको वॉइस नहीं सुनाई दे रही होगी क्योंकि इसकी वॉइस बहुत ज़्यादा धीरे है, मतलब मैंने अपने मोबाइल की वॉल्यूम फुल कर रखी है और मैंने गेम की रिकॉर्ड वॉल्यूम भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रही होगी क्योंकि गेम की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा धीरे है। मुझे भी बहुत मुश्किल से सुनाई दे रही है, लेकिन मैं जब तक हूँ आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं बीच बीच में एक्सप्लेनेशन देता रहूँगा। बाकी यहाँ पर इसने मुझे पूछा था कि आखिर क्या हुआ था, तुमने आखिर बुरे काम पर क्यों शुरू करे, तुम अपनी अच्छी खासी लाइफ जी रहे थे आखिर तुमने बुरे काम शुरू क्यों करे। तो मैंने बोलते क्या ये सच में मैटर करता है, तो इसने बोला हाँ ये थोड़ा थोड़ा मैटर करता है, अब तुम अपने आसपास देख लो ना क्या हो रहा है। कहा तुम एक पहले लग्जरी सी लाइफ जी रहे थे और कहा अब तुम्हें जेल हो रही है, वो भी हॉन्टेड टाउन में। मतलब पहले हम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे पर बाद में हमने पता नहीं क्यों हमने चोरी करना शुरू कर दी और आखिर में हमें जेल हो गई। और अब यहाँ पर इस टाइम इस पूरे शहर की पुलिस फोर्स सिर्फ हमारे पुलिस कार के चारों घूम रही है, मतलब एयरफोर्स में हेलीकॉप्टर्स भी है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर इसने हमसे पूछा अब तुमने आगे क्या सोचा है, तो हमने बोला जो तुम क्या सोच रहे हो आखिर। अब इसका नाम क्या है वो तो मुझे ठीक से नहीं याद, पर अभी के लिए मैंने इसी से पूछ लिया कि तुम क्या सोच रहे हो आखिर। तो बाकी यहाँ पर आपने देखा भी एक पुलिस कार जा रही है और हम इस टाइम उसी हॉन्टेड टाउन में घूम रहे हैं। बाकी आप देख सकते हो इसलिए यहाँ पर घर भी बहुत कम दिख रहे हैं, इस हॉन्टेड टाउन बहुत कम घर दिख रहे हैं। बाकी यहाँ पर मैंने बोला एक बार रेडियो पर देख लो क्या हो रहा है, रेडियो पर पता चले रेडियो पर ही कुछ हो जाए। तो वहाँ पर मतलब बस हमारी ऐसी नॉर्मल अभी तो बातचीत चल रही है, अभी स्टार्टिंग में तो यही होगा, लेकिन जो गेम का असली मजा है वो शुरू होगा बाद में, जो बहुत खतरनाक होने वाला है क्योंकि भाई वॉकिंग डेड एक बहुत मस्त गेम है, मतलब बहुत हॉरर और बहुत ज़्यादा इमोशनल गेम है। बाकी यहाँ पर ये वही टाउन आप देख सकते हो एकदम प्लेन है ये। बाकी यहाँ पर इसने पूछा है अब तुम्हारी वाइफ का क्या होगा, मैंने बोला अभी जो होगा देखा जाएगा श्योर, मतलब जो होगा देखा जाएगा। इसने पूछा था कि अब तुम्हारी वाइफ का क्या होगा, क्या जो होगा तुम वो देखोगे, इसने तो मैंने बोल दिया हाँ श्योर, तो भाई देखो अब जो होगा देखा जाएगा। और जो भी ये गेम प्ले बहुत ज़्यादा मस्त है, इसके ग्राफिक्स थोड़े से भले ही बेकार है पर ये गेम बहुत ज़्यादा मस्त है। बाकी आप पर इसने हमसे पूछा क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, अभी के लिए मैंने बोला हाँ तुम मेरी एक मदद कर सकते हो, वो चुपचाप बैठ के गाड़ी चला लो, मेरा ज़्यादा बकवास सुनने का मूड नहीं है इस टाइम पर, मतलब सैवेज रिप्लाई दे दिया मैंने। बाकी जो भी बोल रहा गेम बहुत मस्त है, मतलब साइज के हिसाब से गेम बहुत मस्त है। और अगर आपको ये गेम ट्राई करना है तो मैंने पिन कमेंट में इस गेम का नाम लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप चाहे तो प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर सकते हो द वॉकिंग डेड सीजन 1, आप वहाँ से इजिली डाउनलोड कर लोगे। और अगर हम द वॉकिंग डेड सीजन 1 खेल रहे हैं हम लोग अभी, तो आगे चलकर हम लोग द वॉकिंग डेड सीजन 2, द वॉकिंग डेड माइक्रोन और द वॉकिंग डेड न्यू फ्रंटियर, मतलब जितने भी वॉकिंग डेड के पार्ट्स हैं वो सब भी खेलेंगे। तो इस सीरीज में बन रहो क्योंकि ये सीरीज बहुत ज़्यादा लंबी चलने वाली है। और ये है द वॉकिंग डेड सीजन 1 का एपिसोड नंबर 1। बाकी यहाँ पर रेडियो में मैंने पहले बोलता कुछ होने था और वही हो गया मेरे ख्याल से रेडियो में, और मेरे ख्याल से ये जो हमारा इंस्पेक्टर है जो हमारा इंचार्ज है ये गुस्सा हो गया, लेकिन मुझे एक बात समझ में आई, सामने ग्लास लगा हुआ है, ग्लास के आर पर वॉइस कैसे जा रही है, मतलब ग्लास के आर पर वॉइस जी भी यार छोड़ो गेम में कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, गेम की दुनिया ये। बाकी यहाँ पर गुस्सा तो ये हो गए हमारे सैवेज रिप्लाई से, पर कोई नहीं यार, इन्होंने अब ऐसे ही सवाल पूछा था क्या हम मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, भाई अब मदद ही करने तो छोड़ ही दे। बाकी यहाँ पर इसने पूछा कि तुम्हारी वाइफ ने जब तुम्हारे साथ चीट करा तो आखिर तुम्हारा क्या था, तो मैंने बोला तुम अपने काम से काम रखो, मतलब आप सबको भले ही ऑप्शन कुछ और दिखाई दे रहे होंगे और मैं बोल कुछ और होगा, इसलिए सच को तो मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, इंग्लिश थोड़ी सी वीकेस से थोड़ी सी दिक्कत हो जरूरी है, पर जितना मुझे समझ में आ रहा है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। और सच में मैं कोशिश करूँगी मैं इसको जो सेकंड एपिसोड रिकॉर्ड करूँ एंड द वॉकिंग डेड सीजन 1 का जो सेकंड एपिसोड रिकॉर्ड करूँ उसमें मैं स्पीकर से लगाकर रिकॉर्ड करूँ ताकि आपको ईजिली सुनाई दे जाए। बाकी यहाँ पर मैंने इसे बोला था एक बार सामने देखो और वही हुआ, और यह हमारी कार के यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुका है। और अगर आपने अभी ध्यान ना दिया तो सामने एक जॉम्बी आता और ये वही जॉम्बी जो इस हॉन्टेड सिटी में घूमते हैं, मतलब दिन के टाइम भी जॉम्बीज घूमते हैं मैंने जैसे आपको बताया था। और अभी यहाँ पर हमारी कार सीधे पहाड़ जाकर नीचे खींच गया, देखते कहाँ होते हैं। लोडिंग स्क्रीन के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, जब तक आप देखो लाइक कर दो शेयर कर दो कमेंट कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ऐसी और धमाकेदार वीडियोस देखने के लिए। बाकी ऊपर आप देख सकते हो यही वो ज़ॉम्बी है जिसे हमारी कार टकराई थी और हमारा जो इंचार्ज है बाहर जा चुका है और हमारा जो प्लेयर है उसको बहुत गंदी तरह से लगी, मतलब कार अंदर से पूरी तरह से खून से भर चुकी है। बाकी यहाँ पर आप देख ही सकते हो ये हमारे प्लेयर
गाड़ी का अंदर व्यू ले रहे हैं, देख कितना खून हो रहा है अंदर, हर जगह मतलब खून खून हो चुका है। और मौसम भी काफी ज्यादा अचानक से चेंज हो गया, मतलब जब हम आते जब ऐसे जैसे धूप हो, एकदम अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा था, अच्छा मौसम था, और अब बारिश वाला मौसम हो गया, जैसे अभी बारिश हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ एक चीज़ अच्छी हुई, और वो कि कार यहाँ पर जो खाई में गिर गई, इस वजह से हमारे पास चांस है यहाँ से भागने का। लेकिन जब तक हमारे हाथ में हथकड़ियाँ, हमें भाग नहीं सकते, तो अभी मेरे ख्याल से हमें इस हथकड़ियों को खोलने की चाहिए चाबी, और चाबी हमें कार के अंदर तो कहीं नहीं मिलेगी, चाबी हमें मिलेगी इंस्पेक्टर के पास, और इंस्पेक्टर तो वहाँ हमें बाहर दिख रहे हैं। अब यार इंजय पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इंस्पेक्टर मर चुके हैं, हमारे जो इंचार्ज थे वो मर चुके हैं, क्योंकि भाई गाड़ी बहुत बुरी तरह से क्रैश हुई। और अगर थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो वीडियो को, तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे इंस्पेक्टर थे, इंचार्ज थे, वो बहुत ज़्यादा तरह से घायल हुए थे, वो पूरी तरह से लोटपोट हो गए थे। बाकी अपन मैंने ग्लास तोड़ दिया है कार का, और अब मुझे बस फटाफट एक बार यहाँ से बाहर निकलना है, और बाहर निकलने के लिए मैं बस वेट करो ऑप्शंस का, कब ऑप्शंस आएंगे। बाकी यार ये बात तो है, गेम थोड़ा सा स्लो तो चल रहा है, मतलब गेम बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, लेकिन जो भी कर गेम बहुत मस्त है। और अगर आप भी चाहते मैं आपको कोई गेम ट्राई करूँ, तो मुझे पिन कमेंट में उस गेम का नाम सजेस्ट कर सकते हो। अगर वो गेम एंड्रॉइड डिवाइस पर अवेलेबल हुआ तो मैं उसको जरूर ट्राई करूँगा, चाहे वो जितने भी साइज का हो, चाहे वो 12 GB का हो, चाहे वो 50 GB का हो, मजा करो। 1 या 2 GB तक के गेम्स को मुझे सजेस्ट कर सकते हो, उससे बड़े गेम्स को मैं ट्राई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फिर तो वो बहुत ज़्यादा लैग करेंगे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी सी खाई से हमारी गाड़ी गिरी थी, लेकिन जब दिखा रहे थे गाड़ी गिरती हुई, जब बहुत ज़्यादा टाइम लेट थी। और आप मौसम को देख ही सकते हो, मतलब मौसम पूरा ऐसा हो चुका है जैसे बारिश होगी, लेकिन कई जगह अभी भी धूप आ रही है। मौसम मतलब ना ज़्यादा मौसम खराब हुआ, ना ज़्यादा मौसम अच्छा हो रहा है, सही ठीक ठाक मौसम है। बाकी एक बार चलो अभी इंस्पेक्टर के पास चलते हैं, और क्या पता इसके पास हमें चाबी मिल जाए, और चाबी का तो पता नहीं, पर यहाँ पर हमें एक शॉट गन जरूर मिल चुकी है। और भाई अब शॉट गन है तो यार बहुत मजे आ जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, ये एक हॉन्टेड सिटी है, यानी यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहते, यहाँ पर सिर्फ ज़ॉम्बीज रहते हैं। और अब मुझे नहीं लगता जो पुलिस होगी वो भी अब आएगी यहाँ पर, क्योंकि जितनी भी पुलिस थी, जो एयरफोर्स थी, वो सब कुछ जा ही रहे थे आज, वो सब भाग रहे थे। मतलब मुझे नहीं लगता अब वो यहाँ पर आएंगे ये देखने कि हम ठीक हैं या नहीं, क्योंकि अब बेसिकली बात है यार, हम तो क्रिमिनल ही है, हमें सजा ही मिली थी कि हमें यहाँ पर उम्र कैद रहना है। अगर हम मरे जाते हैं या जिंदा बच जाते हैं तो कुछ मुझे नहीं लगता ऑफिसर को कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमें सजा मिलती है, हमें उम्र कैद तक रहना है। अब ये मुझे कैसे पता चला, तो गेम के इंट्रो जो है, गेम का जो ऑफिशियल इंट्रो है, उसमें ही देखकर मुझे पता चल रहा है ऐसा, उसमें देखा था जब मैंने गेम का ऑफिशियल इंट्रो देखा था, जब मुझे पता चला इस बारे में। बाकी अभी यार जो होगा देखा जाएगा, और अगर हम मर भी जाते हैं तो भी मुझे लगता है कुछ फर्क पड़ता है, लेकिन अब अगर हम जिंदा बच गए तो हम इसका जरूर फायदा उठाएंगे, यहाँ से भागेंगे, बचेंगे, अपने आप को हील करेंगे, किसी तरह से हॉन्टेड सिटी से बाहर निकलकर फिर से अपने बिजनेस को वो करेंगे, और फिर से एक चैन भरी, शांति भरी लाइफ जिएंगे। फिलहाल शॉटगन को मैं उठा नहीं सकता अभी, क्योंकि ये हाथों में हथकड़ियाँ लगी है, तो शॉटगन को उठाना नहीं चला सकता मैं, और अगर उठा भी जैसे मैं अभी रहा हूँ तो चला नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर बुलेट भी नहीं है, इसकी बुलेट भी हमें ढूंढनी पड़ेगी। और ऑब्वियसली बात है, अगर आपको पता होगा तो शॉटगन चलाने के लिए हमें दोनों हाथों को एकदम परफेक्ट से लगाना पड़ता है, और जिस हिसाब से हमारे हाथों में हथकड़ी बनती है हम कुछ नहीं कर सकते। और वैसे मैं भूल गया, मैं इंस्पेक्टर के पास यहाँ पर आया था चाबियाँ लेने, तो चलो एक बार फिर से फटाफट से चलते हैं इंस्पेक्टर के पास और देखते हैं चाबियाँ। और यहाँ पर मुझे चाबियाँ दिख तो रही है, मुझे बस फटाफट से इन चाबियों को उठाना है और अपने दोनों लॉक्स को खोलना है हथकड़ी के। और मेरे ख्याल से हमारा ये जो कैरेक्टर है, ये काफ़ी अच्छा दोस्त बन चुका है इस ऑफिसर का, और यहाँ पर चाबी गिर गया। मुझे बस ये कि ऑफिसर बचाओ, क्योंकि ये जो हमारा ऑफिसर था, यानी ये जो इंचार्ज था, काफ़ी अच्छा दोस्त बन चुका है हमारे कैरेक्टर का। मतलब हमारा कैरेक्टर हथकड़े खोलने से पहले से पूछ रहा है, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम चल सकते हो, क्या हम अभी कुछ कर सकते हैं, क्या हम यहाँ से लेने को रास्ता है। मतलब इससे वो थोड़ा सा शौक में तो था कि आखिर ये सब क्या हो गया अचानक से। और अब वही है, चाबियाँ भी गिरी है, तो हो सकता है चाबी के वैसे ही जाग जाए, पर अब तक तो जागा नहीं, तो हमें फटाफट से दोबारा से चाबियाँ लेनी है। और काफ़ी हम कोशिश करेंगे कि चाबियों से जितनी आवाज़ हो सकती है उतनी आवाज़ करें, ताकि बाई चांस अगर ये बेहोश है तो ये जाग जाए, क्योंकि बेहोश होने में और मरने में बहुत फर्क होता है, आप जानते हो बात। बाकी अभी हमें दोनों लॉक्स खोलने हैं, तो फटाफट से खोलते हैं लॉक्स, और उसके बाद हम एक बार ट्राई करते हैं ये उठ पाता है या नहीं। अगर ये हमारा जो इंचार्ज है ये उठ जाता है तो ठीक है, और नहीं उठता तो कोई नहीं। वैसे मैं एक बात बताना भूल गया था, ये हॉन्टेड सिटी में जो भी इस हॉन्टेड सिटी की हवा में सांस लेता है वो एक जॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है, तो हो सकता है हमारा जो इंचार्ज है ये भी एक जॉम्बी में कन्वर्ट हो गया, और हमारा जो करेक्टर है ये भी एक जॉम्बी में कन्वर्ट हो गया हो, क्योंकि इसने भी आगे हवा में सांस लिया। और भाई 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 ये देख रहे यार, फटे इनमें एक सेकंड के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा डरावना था यार, ये क्या था ये। और जैसे मैंने बोला था, इस शहर की हवा में जो भी सांस लेता है वो जॉम्बी बन जाता है। बाकी यहाँ पर हमें एक शॉटगन की बुलेट तो दिख चुकी है, और अभी हमें फटाफट से इस जॉम्बी को मारना है, ये बहुत तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ रहा है और ये हमें मार देगा अगर हमने इसको नहीं मारा तो। यार वो इसी की मैं बात कर रहा था, यही है हॉन्टेड सिटी। और यार यहाँ पर बुलेट भी लग रही है यार, फटाफट से मुझे बुलेट लगा कर इसको मारना पड़ेगा यार,
बहुत ज़्यादा डरा रहा है यार ज़ॉम्बी ने। मां सच कसम यार, मां कसम अगर तुम लोग इसे रात को खेल रहे हो, रात को 12 बजे खेलना है, कमज़ोर दिमाग को हार्ट अटैक से मर जाएंगे भाई, वो इतनी ज़्यादा फट गई मेरी ये देखकर भाई, बहुत ज़्यादा हो रहा था ये। और अभी हमने किसी तरह से इसकी खोपड़ी तो फोड़ दी, इसकी मुंडी हमने फोड़ दी शॉटगन से भाई, सच में एक सेकंड के लिए शॉक हार्ट अटैक सा आ गया था भाई। और इस शॉटगन ने क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब इस शॉटगन से भाई शॉटगन अगर लगती है तो बंदों की खोपड़ी फट गई, इसकी तो खोपड़ी पे से खाल भी उतर गई। और यहाँ पर हमें दूर एक बंदा दिख रहा है, हमने उसको देखते हैं, अगर वहाँ तक हमारी रेंज से आती है तो ठीक है, वरना हम कुछ और ट्राई करते हैं। और यहाँ पर हमारी रेंज तो जा रही है, और यहाँ पर हमने इसे बोला कि एक बार यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर कुछ शूटिंग हुई है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है आखिर, और उससे थोड़ी मदद मांगी है। और अभी हमारा जो कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि भाई ऐसा करते हैं अगर ज़ॉम्बी आ जाए तो कोई भी घबरा जाएगा बहुत बुरी तरह से। और यहाँ पेड़ के पीछे कुछ तो है, और यहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज है, मुझे लगा था सिर्फ एक ही ज़ॉम्बी है यहाँ पर, तो भाई बहुत सारे ज़ॉम्बीज है, मुझे ऐसे फटाफट निकलना पड़ेगा। और वैसे मैं एक बताना भूल गया था, हॉन्टेड सिटी के अंदर जो लोग रहते हैं उन्होंने अपने लिए एक सेफ बंकर बना रखा है, एक सेफ प्लेस बना रखी है, जहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं आ सकता। और वहाँ पर हवा भी मतलब ठीक ठाक कहते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा ज़ॉम्बीज लोग नहीं बनते, मतलब वहाँ पर कुछ तो ऐसी दवाई है जिससे लोग वहाँ की हवा में इजीली सांस ले सकते हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, जब यहाँ पर सब लोग ज़ॉम्बी बन चुके तो हमारा कैरेक्टर क्यों नहीं ज़ॉम्बी बना। और मेरे ख्याल से ये वही जगह का गेट है जहाँ पर सब लोग रहते हैं, और भाई हमारा कैरेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। आप फिलहाल चलते हैं हम अंदर, हम यहाँ किसी तरह से अंदर तो आ चुके हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, हम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, हम 500 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम न्यू ईयर से पहले 500 सब्सक्राइबर्स पूरे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम यहाँ किसी तो घर वस्से में आ गए, किसी तो हॉल टाइप या कोई तो घर टाइप एरिया के अंदर आ गए, क्योंकि यहाँ पर आप ये देख सकते हो फेंस, और ये ज़ॉम्बीज भी यहाँ पर एक फेंस पर ही फंस चुके हैं, और यहाँ पीछे हमें घर भी दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से हाँ, ये हम शहर के अंदर आ चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको जानना है कि आगे क्या हुआ, अब यह हमारा कैरेक्टर शहर के अंदर आने के बाद इसके साथ क्या होता है क्या नहीं होता, तो ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा episode 2, और उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक लेटर गुड बाय।